few moments later. Welcome to my another vlog. तो आज के vlog की शुरुआत सुबह सुबह morning और कुछ location दिखता होगा आपको चारों side से tent वेंट. तो हुआ एक्चुअली कि आज हमारे जो ऑनर है हमारे रूम ऑनर मुजफ्फर अंकल उन्हें छोटा सा ईद दावत यानी कि जो हो कहते हैं उसको ईद की दावत जो छोटा सा ऑर्गेनाइज करवाया कश्मीर में. तो सोचा कि चलो क्यों ना एक इस दावत का एक ब्लॉग छोटा शूट कर लिया जाए और आप लोगों को दिखाएं यहाँ का छोटा सा दावत कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें डिशेज होती हैं या फिर कैसा मज़ा आता है, मतलब लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं. तो मुझे लगा सिमिलर है, घर जैसा टेंट वेंट लगाते हैं छोटा सा, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो अभी सुबह का वक्त है और चलिए दिखाते हैं आप लोगों को खाना क्या बन रहा है, वहाँ भी चलते हैं. फिर तो उसके अलावा जैसे जैसे आप मतलब जो भी जितने सारे आउटसाइडर हैं वो आएंगे इस प्रोग्राम में, जू यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के जो भी आउटसाइडर स्टूडेंट हैं वो आएंगे इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे. तो सबसे मिलवाएंगे, कोशिश करेंगे जितना सारी चीज़ों का इसमें कवर करेंगे, बाकी बने रहें हमारे साथ. इसमें मिक्स करना है फिर इसको अलग से किया है, इसको इसमें मिक्स करना है या फिर अलग से? नहीं इसमें मिक्स करना है. अच्छा अच्छा, ये पहले फ्राई करना है. इतना सोइएगा भाई, सुबह हो गए. हमारा चाय मॉर्निंग का चाय ले रहे हैं थोड़ा, और पीछे चेयर वगैरह लगा हुआ था, अंकल ने कहा कि उसे थोड़ा सेटअप कर देना अंदर. तो बहुत और बहुत ही सरप्राइज और बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों को दिखाने वाले गाइस. हमारे गोपाल भाई और शाबमान भाई यार, हम लोग के एक रूम के गेट पर क्या लिखा हुआ आपको दिखाते हैं. बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल चीज़ है, कमेंट कीजिएगा जरूर क्या लिखा हुआ है. आप लोग खुद पढ़ ले, पढ़ने की जरूरत नहीं होगी. ये हमारे भाई लोग का करतूत देखिए क्या क्या लिखते हैं. ये लॉ के स्टूडेंट है और ये कानून पढ़ा रहे हैं अपने रूम से भी. वाह 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 वाह, आर्टिकल वार्टिकल सब इंटर कर दिए इसमें, बताइए. तो खैर ये दिखाना हमें जरूरी समझा, इस वजह से दिखाया आप लोगों को. भाई कमेंट में कीजिएगा कैसा लगा. जैसे देख सकते हैं आप पीछे यहाँ, यहाँ देख सकते हैं आप दो हमारे सुपरवाइजर्स इस इवेंट का काम कर रहे हैं. नॉट ऑर्गेनाइजर्स, दे आर सुपरवाइजर्स. नो नो नो, दे आर सुपरवाइजर्स गाइस. तो आप देख सकते हैं इन लोगों को मैंने 20-20 रुपए पे रखा है मुदस्सिर को, और ये आंसू भाई को तो पाँच ही रुपए पे मान लिया है. तो इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, पर मुदस्सिर को 20 रुपए पे बहुत ज्यादा, 20 रुपए पे बहुत ज्यादा करना पड़ा. वीडियो शूट इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारा जो हकीकत है पार्ट टाइम जॉब जो करते हो यूनिवर्सिटी से आने के बाद वो दिखा रहे हैं. इनको तो फ्री में ही एक आइसक्रीम पे इनको मान गए नित्या भाई, वो भी आइसक्रीम ज्यादा वाडीलाल या कैडबरी की नहीं थी, 5 रुपए वाली आइसक्रीम थी. ये सरासर देख सकते हैं, ये है कश्मीरी कावा जो पीते हम लोग, लेकिन कभी कभी ये लगभग रेडी हो चुका है, रेडी होने लगा. थोड़ा सा आया है कलर, थोड़ा कलर. गाइस फाइनली हमारा कश्मीरी कावा. गाइस अल्लाह सुबह बहुत टेस्टी, मतलब होता है ना ये कि इसमें केसर वगैरह बहुत सारा चीज़ इसमें मिक्स है, इसमें कश्मीरी कावा. आप लोग कश्मीर आए तो ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत. क्या भाई आप लोग इतना, आप लोग इतना इंतजार कर. हेलो भाई, आ जा
वेलकम 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 डाल के हमारे विधायक जी आ चुके हैं, क्या हाल है भाई? रोम रोम भाई। और क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? विधायक जी सब बढ़िया लग रहा है भाई। कुछ बोलेंगे? कुछ बोलना। बहुत बहुत नमस्कार, आप सबों का स्वागत करता हूँ आप सबों को मुदस्सिर के नए ब्लॉग में। आज मुदस्सिर का ब्लॉग, मुदस्सिर नहीं अनुभव आनंद स्टार्ट कर रहा है। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं मुदस्सिर का क्लासमेट हूँ, उसका दोस्त भी हूँ। और द रीज़न वाई आई हैव स्टार्टेड दिस ब्लॉग इज जस्ट बिकॉज टुडे इज ईद पार्टी विच हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाई मुदस्सिर हाउस ओनर हुज़ नेम इज मुजफ्फर। सो उसी चीज़ को लेके हम यहाँ गैदर हुए हैं और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजिंग है। हमारे बगल में मुदस्सिर बैठा है, तो आज आपको एक नए चेहरे से रूबरू होने का मौका मिला जिसका नाम अनुभव आनंद है। और आगे के व्लॉग में मुदस्सिर आपको कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे क्लासमेट किस तरीके से गैदर हुए हैं। जहां भी बैठना है चिंदी चोरी का काम शुरू कर देना है। खाली दिमाग शैतान का, इनका तो दिमाग ही नहीं है, तो आप कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार का। हमारे पास बैठे हैं दशानन रावण, उसके बगल में शांतनु शुक्ला है जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, और अपने जो इनको कार्यभार दिया गया उसका निर्वहन बहुत ब्रेक के बाद, ब्रेक के उस पार आपको ले चलेंगे कि इस ईद के पार्टी में क्या क्या हुआ, उस कहानी को बताने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मुदस्सिर बैठे हैं यहाँ पे, शांतनु शुक्ला बैठे हैं यहाँ पे। बस एक छोटा सा ब्रेक, फोन लौटने के लिए। कश्मीरी कॉफी ये कैसा लग रहा है आपको? फर्स्ट टाइम मतलब दो या तीसरी या चौथी टाइम पिया, लेकिन टेस्ट डिफरेंट लग रहा है हमेशा, पता नहीं क्यों। बस अच्छा है, कश्मीरी कबाब लोग ट्राई करेंगे अगर आएंगे तो जरूर, बहुत अच्छा है, काफी जबरदस्त। करने जा रहे हो वापस तो आओगे पर जी नहीं पाओगे। अगली बार अगर मिलोगे ना अगली बार हमें, हाँ जी तो हाथ मत मिलाना, तो हाथ मत मिलाना। अगर मिलोगे ना अगली बार हमें तो हाथ मत मिलाना, हाथ मत मिलाना, क्योंकि तुम हाथ थाम नहीं पाओगे और हम छोड़ नहीं पाओगे। साथ थी दिल की क्या बिसात थी, क्या बिसात थी निगाहें जमाल में, एक आईना था टूट गया देखभाल में। ये आईना करो ब्लॉग बना रहे हो? बस वही कल अगर उनसे सुलह हो गई तो चार चार एक भाई हम ले लो भाई। अभी हमारी क्लास के जितने भी शायर आए इधर, जितने भी शायर हैं वो बैठे हैं, न जाने कितनी पुरानी गड़ी गड़ी मोहब्बत बाहर आ रही है। बिल्कुल। और एक वो बात है ना कि मैं नामों का कब्रिस्तान हूँ, मेरे भीतर कई नाम दफन है, तो इनके अंदर से कई कई नाम आ रहे हैं बाहर, कई कई ख्याल आ रहे हैं बाहर। थैंक्स गाइस, मतलब जो भी रहा कोशिश कर रहा हूँ कवर करने के लिए, लेकिन बीच बीच में एनर्जी लेना हमें भी जरूरी है, तो सोचा हम भी पीते हैं। और ये है एक्चुअल में नाम पढ़ लें, इसका प्राइस आता है आई थिंक 65, काफ़ी ज़बरदस्त होता है, काफ़ी ज़बरदस्त मैंगो है, ज़बरदस्त। हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, आपकी हर बात पे एतबार भी कर लेंगे, बस एक बार कह दो तुम सिर्फ मेरी हो,
अरे कह दो ना एक बार, मेरी हो, हम जिंदगी भर आपका इंतजार कर लेंगे। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां अच्छी नहीं लगती, यकी जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है मुझे कॉलेज की अब छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। वो छोड़ो, अब वो इससे कभी मुंह नहीं लगती है। टुडे थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर ग्रेट लाइक टू द पर्सन ऑफ टुडे, द पर्सन इन चेयर मिस्टर मुजफ्फर अहमद, प्लीज सर कम ऑन डेस एंड आपका मैं तहे दिल से यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे आए हैं मेरे इस गरीब खाने पे, तो एक्चुअली जो आज का जो माटू मेरा था यहाँ पे, माटू ये था कि कश्मीरियत, तो कश्मीरियत किस चीज को हम कह सकते हैं? शायद आप लोग जो आए हैं आउट स्टेटों से है, जो भी यहाँ पे आज इनविटेशन जो हुई है, यहाँ पे हमने इनवाइट किया आप लोगों को कि जो भी आउटसाइड का जो भी है, तो हम ने आपको इनवाइट किया है। कोई ऐसा लड़का भी है हमारे इस हिंदुस्तान में जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम उतना नहीं होता है कि वो आगे अपनी पढ़ाई ले सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का चाहेगा, स्टूडेंट चाहेगा, वो बिहार से होगा, चाहे यूपी से होगा, चाहे किसी भी स्टेट से होगा, उसको ये लगेगा कि मैं कश्मीर आके मेरा खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, चाहे मुझे यहाँ पे रेंट देना पड़ेगा, चाहे मुझे अपना पेट भरना पड़ेगा, चाहे मुझे यहाँ फीस का जो है सारा कुछ यूनिवर्सिटी का वो करना पड़ेगा। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, ऐसे समाज में ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो ये नहीं बोल पाते हैं कि हम पढ़ते, लेकिन वो शायद अपने आप से डरते हैं, शायद मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट ना कल मिले कि ये मुझे कल दाने दे। तो उस वजह से मेरी एक मैसेज यहां से एक जाएगी, चाहे कोई भी आउट स्टूडेंट हो, आउटसाइड का जो भी स्टूडेंट हो, या मैं मान के चलता हूं यहां का भी हो, लोकल का भी हो कोई, उसके लिए मैं अकोमोडेशन यहां पे फ्री और खाना फ्री कर दूंगा। यहां पे हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम घर से बाहर हैं, और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो यहाँ फील हुई, क्योंकि यहाँ का कभी भी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि हम कभी घर से बाहर या इनसिक्योर फील किया। और इवन दो कि हमने कभी यहाँ आज तक कभी लॉक नहीं किया हमारे रूम को, लेकिन फिर भी हमने सिक्योर फील किया। और नमस्कार, आप सबों को स्वागत करता हूँ। ये जो महफिल जमा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार ईद सेलिब्रेट कर रहा हूँ, किसी पार्टी में बैठा हूँ। बीइंग अ हिंदू इट्स माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम हियर। जब शायर कर रहे हैं, पांडे जी ने शायर बोला, मैम ने शायर बोला, तो किफायती वक्त जलता मन पिघलता जमीन और फिर तुम्हारी हंसी। आए हाय, दौड़ पड़ू या थम जाऊं, बयां करूं या बरस जाऊं, बताओ किस राख से हो तुम, जहन में इकट्ठा करूं या बिखर जाऊं। किया ईद, तो मैं यही कहूंगा कि मतलब अपनापन और घर जैसा फीलिंग जो है ना, वो मुजफ्फर अंकल के इस हाउस में है। तो थैंक यू मुजफ्फर अंकल, जो इस तरह का आप आउटसाइडर के लिए हेल्प करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक छोटा सा प्रोग्राम करवाया आपने, आउटसाइडर को एकजुट किया, इकट्ठे किया, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी सब के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। तो जाते जाते एक शेर का माहौल चल रहा है, तो मैं अभी पढ़ दूँ एक शेर, सुनेगा। इश्क की खाई में बच्चा भी उतर जाता है, पेड़ से फल कभी कच्चा भी उतर जाता है, घर से आती है वो लिपट कर बड़े बुरखे में, और घर से आती है वो लिपट कर बड़े बुरखे में, कॉलेज आते ही दुपट्टा भी उतर जाता है। किसी के भी घर जाओगे ना आपको, तो आपको डायरेक्ट बोलेंगे चाय चला बत खाए,
पूछेंगे वहाँ पे चाय छा बहुत खाए यहाँ पे रात को रुको तुम, लेकिन आपको भले नहीं जान रहे हो, आप भले कभी नहीं देखा हो, लेकिन ये नहीं देखेंगे तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू आउटर है या फिर कहीं और का है। मुजफ्फर भाई ने एक मिनट के लिए नहीं सोचा, मुझे बोला कहाँ से हो कि राजस्थान से, पहला चाय पियो। तो उनकी आंखें देख कर गालिब हम तो हना हो गई, उनकी आंखें देख कर गालिब न जाने वो आई ना देखते कैसे हो गए। बिरयानी भाई राज भाई because you shape and give ideas. I appreciate you and hope everybody will like these videos, these sort of, because now it's not, it's profession now, because this vlogging is a profession. You have taken, you have chosen this profession. Thank you, my best wishes on all this with you. फाइनली हमारा प्रोग्राम जो भी था वो खत्म हुआ और आखिर में हमारे पास वेज बिरयानी प्योर वेज, उसके बाद ये है सवैया स्वीट डिश बिल्कुल। तो यहीं से हमारा इस वीडियो को, यहीं ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। बाकी अपना लाइक प्यार शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिले तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए आए। तब तक के लिए इतना, बाय, टेक केयर।